हेलो, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है। हमको दो सीरीज़ दी गई हैं, अभी हमको ये भी नहीं पता कि एपी है क्या है। दो सीरीज़ दी गई हैं जिसका इन्होंने दिया है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू द टू सीक्वेंसेस। टू सीक्वेंसेस दिए गए और इनमें कॉमन टर्म बताना है। तो हम यहाँ दिख रहा है हमें कॉमन टर्म 2121, यानी कि इसके आगे भी कहीं जाके कुछ कॉमन आएगा और ऐसे कॉमन हम गिनते चले जाएँ। ठीक है, तो ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स इस सीक्वेंस में कितने होंगे हमको पता करने। तो अगर हम इस सीक्वेंस को ध्यान से देखें तो ये हमको एक एपी नज़र आती है, ठीक है, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है। ये हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अगर हम दूसरी सीरीज को सीक्वेंस को भी देखेंगे तो इसका भी एक हम ये एपी में नज़र आ रही है 5 5 का, और इसका भी ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना नज़र आ रहा है, 5। अब यानी कि हम लोगों को अगर 21 यहाँ पे पहला कॉमन नज़र आ रहा है तो नेक्स्ट कॉमन क्या होगा, ये आप एलसीएम में आप लोगों ने देखा होगा। तो अगर तो नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट कॉमन नंबर होगा वो D1 × D2, यानी कि हर 20 के बाद ये फिर से कॉमन मिलते जाएंगे। तो अगर यहाँ पे ये 21 पे मैच करे हैं तो हर 20, यानी कि अभी अगला नंबर कब होगा, ये 41 पे मैच करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये 61 पे मैच करेंगे, फिर उसके बाद ये 81 पे मैच करेंगे और ऐसे चलते जाएंगे। लेकिन कब तक चलते जाएंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 417 और 466 में कौन छोटा नज़र आ रहा है, 417, यानी कि इसके ऊपर तो कॉमन मिल ही नहीं पाएगा, यानी कि हमारा जो लास्ट टर्म होना चाहिए वो 470 के बिफोर ही होना चाहिए, क्योंकि इसके आफ्टर तो हो नहीं सकता। तो हमारा लास्ट टर्म इस सीरीज़ का क्या, सीक्वेंस का क्या होना चाहिए, 417 के बीच में ऐसे हमें कॉमन टर्म्स देखने हैं जो 417 के अंदर अंदर फिनिश हो जाए। ठीक है, तो अगर हम इस सीरीज़ को देखें तो ये भी हमें फिर से एक सीक्वेंस कैसे नज़र आ रहा है, एक एपी में नज़र आ रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म 21 है और फिर 2020 का इसमें क्या है, कॉमन डिफरेंस है, यानी कि D=20 नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हमको nth टर्म पता लगाने है तो हमने डायरेक्ट nth टर्म का फॉर्मूला लग दिया। ठीक है, हमारा लास्ट टर्म क्या होना चाहिए, 417, मतलब इसके पहले भी हो सकता है 417। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 21, एन हमें पता लगाना है, D=20। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर दिया तो हमारा एन कितना आ गया, 20.8, पर एन तो डेसिमल में तो हो नहीं सकता। ठीक है, या तो नंबर ऑफ टर्म्स 21 होंगे या नंबर ऑफ टर्म्स 20 होंगे। तो 20.8 है तो यानी कि 21th टर्म तो हो नहीं सकता, क्योंकि 417 के ऊपर तो हम जा नहीं सकते। ठीक है, 417 के हमें पीछे ही रहना पड़ेगा, तो 21 इज़ नॉट पॉसिबल। तो कौन सा टर्म होगा हमारा इसके अंदर, इस सीक्वेंस में 20th टर्म तक ये हमारा कॉमन हमको मिलेंगे, यानी कि 20 टर्म हमें इस सीक्वेंस के अंदर कॉमन मिल जाएंगे। थैंक यू।